दोस्तों मैंने कर लिया है मेरा ये नया हेयर कट। और दोस्तों ये जो पूरा हेयर कट है ना, ये किसने किया? भाई मैंने खुद किया है। आज पहली बार लाइफ में मेरा खुद का बाल कटा है। आई गॉट दिस यू नो जस्ट लाइक हेयर कट बाई माई सेल्फ। और ये हेयर कट के चक्कर में मैंने दो मिस्टेक किया कर दिया है एक्चुअली। तो मिस्टेक नंबर वन देख सकते हो, मेरे जो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों चीज़ का साइज जो एक्चुअली सेम साइज होता है, ये सेम साइज नहीं हो, बिकॉज मैं जब मिरर में देख रहा था खुद को, रेजर से काट रहा था, तो इस तरफ देख कर काट रहा, तो इस तरफ का साइज मुझको पता नहीं चल रहा था, इसका जो साइज इसका भी पता नहीं चल रहा था जब इसको काट रहा था। ये एक मिस्टेक कर दी है। और मिस्टेक नंबर टू, दूसरा जो मिस्टेक किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सामने का जो हेयर है, यहाँ पर देखो ये वाला जो हेयर है, इसको मैं ज़्यादा ही छोटा कर दी इन कम्पेयर टू सामने वाला जोन से। तो यहाँ का हेयर थोड़ा सा इस एक ऊपर स्ट्रेट स्पाइक तरह से दिख रहा है, तो इससे भी छोटा करना, इतना छोटा करना नहीं चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली पहले आई एम डूइंग दिस, मैंने खुद किया है हेयर कटर से, तो हो गया है, क्या करें। पहले तो एक्चुअली यूट्यूब में मैंने देखा कैसे हेयर कट का कुछ बेसिक चीज़ क्या है, वो मैंने पहले देखा। एक्चुअली दो दिन से मैं कोशिश कर रहा था, बट आई वॉज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो यूट्यूब में चार पांच वीडियो ऐसे देखा, बेसिक हेयर कट कैसे किया जाता है, कहाँ से शुरू किया जाता है, वो देखकर मैंने आई डिड इट। और पीछे का जो शेप है, पीछे का जो कट था, ये एक्चुअली कटर दबा के पूरा उड़ा दिया, ये मैंने नहीं किया, ये मेरा आई गॉट द हेल्प फ्रॉम माई मॉम, कि शी डिड इट। तो ऑलमोस्ट अभी के लिए तो चलो यार 20-25 के दिन के लिए तो छोटे छोटे बाल हो गए, इट्स फाइन, अच्छा ही लग रहा, नॉट सो बैड। ये बाइक देखो कितना ज़बरदस्त, एक हैंडसम बाइक है रॉयल एनफील्ड का, बट ये बाइक अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं है, किसका नहीं पता नहीं है, मेरे घर के सामने पार्क है, एक्चुअली आसपास का कोई फ्लैट का कोई बंदे का ये फ्लाई बाइक है, नया आया शायद, एक्चुअली मेरे यहाँ पर एक नया फ्लैट हुआ है, नया नहीं बहुत दिन तक हो चुका था, बट लोग नए नए आ रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में, और किसी एक का ये शायद बाइक होगा, एंड इट इज़ वेरी नाइस टू सी। दोस्तों देख लिया भाई कैसा लगा, होप सो यू हैव एंजॉयड द बाइक वाला वीडियो। एक्चुअली 7 बजने को है, और 7 बजने का मतलब नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, तो ऑलरेडी 6:30 बज चुका है, मैं फ्लैट में था, थोड़ा सा कम था, तो आधा घंटा पहले ही मैं फ्लैट से निकल गया, घर जाना हो किस कर्फ्यू में मुझको बाहर नहीं रहना है। पर दोस्तों ये जो नाइट कर्फ्यू का एग्जैक्ट रीज़न अभी तक मेरे को क्लियर नहीं है। एक्चुअली कर्फ्यू तो है, होगा तो पूरा हो जाओ, नहीं हो तो मत हो, सुबह लोग निकल सकते हैं कोई इशू नहीं है, बट रात को निकले तो शाम को निकले तो प्रॉब्लम। तो देख सकते हो इसका एक्चुअली कोई साइंटिफिक कोई रीज़न है नहीं है, ये तो मुझे पता नहीं है, ये तो मोदी जी को ही पता है सिर्फ, आई डोंट नो ऑल दिस स्टफ्स। अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा कमेंट करके मुझको इन्फॉर्म कर दीजिए व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस एग्जैक्टली नाइट कर्फ्यू। देख सकते हो मेरे एरिया में अभी भी कुछ दुकान है खुला हुआ है, बस 7 बजे के अंदर ही सब कुछ बंद हो जाएगा, बट थोड़ा सा मेन रोड से ये अंदर है, तो इसीलिए हो सकता है कुछ लोग कर्फ्यू का पालन ना करें, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की इतना रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं है, बट एज यूजुअल आई लव टू फॉलो द ऑल द इंस्ट्रक्शन जो मिला सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑल द रूल्स है वो मुझको मानना ही है। तो दोस्तों ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, छोटा सा ब्लॉग था अबाउट माय हेयर कट एंड द बाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर इन योर फेसबुक एंड व्हाट्सएप। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो।